हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं? और दोस्तों, आपको नहीं पता है कि फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स आज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आप देखें थ्री लाइन का ऑप्शन, आप सिंपल क्या करेंगे, थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे आप थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ आप देखें सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन है, दोस्तों आप सिंपल इसी सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया, तो दोस्तों आपको सिंपली फिर से सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करें तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर। अगर दोस्तों ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना, सी मोर इन अकाउंट सेंटर जो लिखा है उसी पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखें काफ़ी सारा ऑप्शन है, दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ नीचे में आ रहा है, तो दोस्तों आप सिंपल इसी पर्सनल डिटेल्स पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, तो दोस्तों आपको सिंपल इसी अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखें डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन लिख कर आ रहा है, तो दोस्तों आपको सिंपल क्या करना, डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन जो लिखा है इस पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आप देखें सबसे ऊपर में डीएक्टिवेट अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, तो उस पर टिक लगा हुआ है, तो दोस्तों टिक लगे रहने देंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ देखें कंटिन्यू का ऑप्शन, आप सिंपल क्या करें एक बार कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करें थोड़ा देर वेट करें दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बोला जाएगा कि आप अपने फेसबुक का जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डालें, तो दोस्तों जो आपके फेसबुक का पासवर्ड आप रखे होंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया और कि आप अपने फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार की दूसरे वीडियो में।